हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट वन का टॉपिक माइक्रोवेव हीटिंग को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोवेव हीटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ रेडिएंट एनर्जी, एंड इसकी वेव लेंथ है 0.025 से 0.075 एम तक, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 से 400 मेगाहर्ट्ज। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी फूड में? जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अप्रूव्ड हुई है फ्रॉम FDA, ठीक है। FDA ने इसको फ्रीक्वेंसी को अप्रूव किया हुआ है, जो है 2450 मेगाहर्ट्ज से 950 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। जो जो माइक्रोवेव हीटिंग है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय मेटल, जो कि पास हो जाती है थ्रू एयर, ठीक है। एंड सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड जो अब्जॉर्ब जिस मटीरियल ने माइक्रोवेव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, जो भी आपने फूड कॉन्स्टिट्यूएंट फूड कंपोनेंट वहाँ पे रखे हैं, ठीक है, फूड रखा है, तो वो फूड है जो हीटन अप हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव लॉसेस हीट इन द प्रोसेस। जो लॉस फैक्टर एंड लॉस टेंजेंट हैं वो यूज़ किए जाते हैं माइक्रोवेव एनर्जी कितनी लॉस हो गई है उसको डिफाइन करने के लिए। मटीरियल जो हाईली अब्जॉर्बेंट होते हैं उसे हम हाईली मटेरियल जो हाईली अब्जॉर्बेंट होते हैं माइक्रोवेव एनर्जी को, उसे हम हाईली लॉसी मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जो लॉस फैक्टर है वो एक मेजर है टू द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ माइक्रोवेव, ठीक है, कि कोई भी फूड मटेरियल में जो माइक्रोवेव एनर्जी है वो कितनी पेनिट्रेट कर रही है, वो लॉस फैक्टर है, ठीक है। द ग्रेटर द लॉस फैक्टर, जितना ज़्यादा लॉस फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है जो कम होगी। अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज़ माइक्रोवेव एनर्जी हम चूज़ करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है माइक्रोवेव हीटिंग का? माइक्रोवेव रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रिक्वेंसीज ऑफ आइदर 915 मेगाहर्ट्ज़ से 2450 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव जो रिवर्स डायरेक्ट होती है इट्स डायरेक्शन में। फूड एंड सर्टन मटीरियल्स जो हम रखते हैं माइक्रोवेव में वो एज अ डाइपोल वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ डाइपोल एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, क्या होता है कि जब माइक्रोवेव पास एनर्जी है जो पास होती है थ्रू फूड से, तो वाटर एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट, वो ट्राई करते हैं खुद को अलॉन्ग करने के लिए विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद को है जो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सेकंड एवरी सेकंड बहुत बार जो है उनमें चेंजेस आते हैं अलाइन करने के चक्कर में। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ऐसा टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन लीड होता है, जिसकी वजह से हीटिंग होती है। एज डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फूड, जो डिफरेंट कंपाउंड्स है फूड में वो डिफरेंट हीटिंग फैक्टर है जो शो करेंगी, जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू इसको इक्वलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है वो सेकेंड इफेक्ट है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन है वो प्राइमरी इफेक्ट होता है। माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शनल हीटिंग, माइक्रोवेव और कन्वेक्शनल हीटिंग में डिफरेंस क्या है? जो माइक्रोवेव एनर्जी होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी फूड में फ्यू सेंटीमीटर नीचे तक, ठीक है, जिसकी वजह से फूड है जो यूनिफॉर्मली हीट होता है, एंड हीट है जो वो पास होती है फ्रॉम द सरफेस बाय कंडक्शन, जिसकी वजह से जो हीट है जनरेट होती है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। जो अब मास मॉइस्चर है वो बॉयल्ड हो जाता है एंड इंटरनली बॉयल्ड हो जाता है, एंड क्रस्ट फॉर्मेशन एंड जो ब्राउनिंग है सरफेस की वो नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्मली जो हीट है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बट जो कन्वेंशनल हीटिंग होती है उसमें डायरेक्ट फ्लेम होती है, हीटेड एयर होती है जिसे हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल हीटिंग में। फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जली रिएक्ट करते हैं सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस से लार्जली रिएक्ट होता है फ्लेम और हमारे फूड कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है फूड जो ग्रेडियंट्स हैं वो डिस्टॉर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग हो जाती है फूड की एंड सरफेस ऑफ द इंटरियर, मतलब कि जो बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे फूड प्रोडक्ट की सरफेस के ऊपर में से। यही डिफरेंस है माइक्रोवेव एंड कन्वेंशनल हीटिंग में।
उसके बाद जो माइक्रोवेव जनरेटर एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली मैग्नेट्रॉन यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैग्नेट्रॉन एक माइक्रोवेव जनरेटर का इक्विपमेंट है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन क्या होता है कि एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है जो कि प्रोपिगेट करती रहती है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियंट एनर्जी पर। लार्ज पावर होती है इसकी, बैटर हीटिंग होती है। पावर आउटपुट इज मेजर्ड इन वॉट, जो पावर आउटपुट है उसको हम मेजर करते हैं के वॉट्स में। आल्सो द वेट ऑफ द फूड है जो डिटरमाइन करता है हीटिंग टाइम ऑफ द फूड। मैग्नेट्रॉन एक, ये इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है मैग्नेट्रॉन को। सिंपल माइक्रोवेव ओवन होता है कि इसमें मेटल कैबिनेट लगी होती है जिसमें मैग्नेट्रॉन अटैच्ड होता है। फूड है जो हमारा वो अटैच्ड होगा जब जब हम ओवन में रखेंगे इस सिंपल माइक्रोवेव ओवन में, तो जो फूड है वो हीट होगा फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्स माइक्रोवेव टनल ओवन। जो कम्प्लेक्स माइक्रोवेव टनल ओवन है इसको हम इक्विप्ड करते हैं विद एन एंडलेस मूविंग बेल्ट ऑफ लो लॉस मटीरियल ऑन विच फूड इज कन्वेड पास्ट मैग्नेट्रॉन, ओपन एट इनलेट और एग्जिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फूड। माइक्रोवेव के फूड एप्लीकेशंस क्या हैं? बेकिंग, इंटरनल बेकिंग होती है माइक्रोवेव में फूड की, जिसकी वजह से जो है अचीव्ड डिज़ायर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें फूड की है जो बर्निंग नहीं होती। सेकेंड इज कुकिंग, इसमें क्या होता है कि लार्ज पीस ऑफ फूड प्रोडक्ट भी हम जो है कुक कर सकते हैं इसमें बिना हाई टेम्परेचर के ऊपर सरफेस कुकिंग कर सकते हैं, बट बर्निंग नहीं होगी आपके फूड की। तो आज इस वीडियो में हमने माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव की कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, माइक्रोवेव है जो फूड को कैसे हीट अप करता है, कैसे कुक करता है, उसके मैकेनिज्म, माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शनल हीटिंग में डिफरेंस, एंड उसके बाद माइक्रोवेव के हमने इक्विपमेंट्स को डिस्कस किया। आप अगर ICAR एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हो, ICAR नेट एग्ज़ाम के हिसाब से, और अगर आप किसी भी स्ट्रीम जैसे कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी BSc और MSc कर रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक है जो सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। एप्लीकेशंस को भी ICAR एग्ज़ाम, ICAR नेट एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस के लिए कोई जगह नहीं होती ना, तो उसमें सिर्फ रेडिएंट एनर्जी कितनी होती है जो, या फिर जो मैकेनिज्म है उसमें पूछा जाएगा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू होती है या कैसे एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो आप, अगर आपको ये चैनल मेरा आपके लिए यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।